सर बात सुनिए, मैंने डीसी साहब को तीन फोन की, क्या उनकी नहीं सर वो छात्रों का नहीं सर, पहले फेस्टिवल से लेकर लोग बचाने जरूरी है, आप बताइए सर हम भी बात मान रहे, मेरी बात सुनिए, पहले लोग बचाने जरूरी है, उसके मसला हो गया, सारे लोग अपने अपने हिसाब से दौड़े, मास हुए फायर सर्विस के, उन्होंने लेट किया, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं लगाया, फिर हम पाइप लेके खुद दौड़े, पाइप तोड़ने से पानी आएगा तो आग बुझेगी, जब पानी पहुंचा तो किसी ना किसी कोई दीवारों से लटक के बच गए, सारी बची, उसमें जिसकी नेगलिजेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी एक ही डिमांड है, आप एक तो उस बंदे को कंपनसेशन थोड़ा मिलना चाहिए, नंबर तो करेंगे ना, और आप फायर सर्विस वालों के खिलाफ एफ आई आर लॉन्च कीजिए, हम उछल एफ आई आर लॉन्च करो, हम उछलेंगे, जो कार्रवाई बनती है एफ आई आर लॉन्च करो, सर हमने गैस सिलेंडर बाहर निकाले जल्दी आग से फूट, अपने आप को सीधे डाल के, ये एनजीओ के लड़के आए, ये आया बुरहान आया, उन्होंने निकाला, हम साथ में थे सर, उस आप हमें बताइए इतना बिल्कुल मकानों के साथ मकान जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम थे सर, पीसीआर को फायर सर्विस का मैंने एक घंटे से कॉल किया, खाली बिजी आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई बोला ना, हम उनके खिलाफ एफ आई आर दीजिए, हम उठ जाएंगे, हम सर से बात करेंगे जी सर, अभी इस टाइम बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके अलावा ताज़ा फायर पर बिजली की वजह से जो भी है वो भी देखा जाएगा ना, उधर किसी की नहीं है सर, बाकी उसको भी हम देखेंगे, वहाँ तो कोई इस टाइम देखा भी नहीं, ऐसे तो ही सर, इतना अब हमें इतना क्लियर होना है तहसीलदार साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सर आप हमने ऐसे तहसीलदार, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे तहसीलदार नहीं दौड़ा, थोड़ा सा क्या हम दौड़ा, मैं ऐसे लोकल दौड़ा, मुझे पता है ये जम्मू देखो ना जो हो गया वो बात नहीं सर, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि फायर सर्विस एक जो ही हमें पता लगा है, यहाँ पे पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी खड़ी है, और फटाफट फायर इमरजेंसी को इन्फॉर्म किया गया, हमारी दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इतना कंजेस्टेड मोहल्ला इसके बावजूद विद इन नो टाइम आग को बुझा दिया गया है, दैट इज यू नो कैप्टन टू कंट्रोल, और ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि फैली नहीं आग, और कोई मरा नहीं, और कोई भी इंजन नुकसान नहीं हुआ, बाकी जहाँ तक लोगों का सवाल था कम्पनसेशन वगैरह का, ऑब्वियसली उसमें सुबह ही कार्रवाई स्टार्ट कर दी, जो भी लीगल प्रोसेस है, जो भी कम्पनसेशन एक्ट है वो होगा, इसके अलावा ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर ताज़ा फाइल क्या था, जहाँ भी किसी की नहीं कार्रवाई होगी, लोगों का थोड़ा सा यही था कि एक डिमांड यही थी कम्पनसेशन की, हमने बता दिया, दूसरा इन्होंने कहा कि हमारा एक फायर टेंडर यहाँ पर, डेफिनेटली इससे हम बात करेंगे, एक फायर टेंडर यहाँ रहेगा बस, ताकि ऐसी जो कंजेस्टेड एरियाज है वहाँ पर अगर कोई भी आसान वाला एक्सीडेंट हो सर, इनका जो कहना है कि फायर सर्विस की फायर सर्विस वालों को एक घंटे तक फोन करते रहे और कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, उसकी वजह से भी ज्यादा हाथ ये जो आग वगैरह, तो एक तो मसला ये है कि क्योंकि गली में घर था, फायर सर जब आई नहीं तब भी उनको नहीं पता कि पहुंची कि नहीं पहुंची, जब तक ना पाइप उनके पास पानी की पहुंची,
उसको जो नीचे वाले हमारे साथ लोग थे, हम कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी दीवारों के ऊपर से होके पाइप में जो पानी पहुंचाई, मुश्किल से पहुंची। एग्जैक्टली घर सारे बाकी बचाव हो गया, जिसका नुकसान हुआ वो तो हमें सबको दुख है। सब लोग एफर्ट्स कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग लगा दिख नहीं रहे थे क्योंकि अलग अलग गली में गाड़ी वहां पहुंचती दे रहा था। तो फिर भी जो वॉलंटियर्स ने इन्होंने फायर सर्विस पहुंचने से पहले ही काम किया, इन्होंने भी काफी कोशिश की, फिर पानी जब फायर सर्विस पहुंची। हाँ, फायर सर्विस ने थोड़ा सा लेट किया। नहीं सर, चलो वॉलंटियर जिंदाबाद, चलो क्या।